देखिए, आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में कब बनती हैं, और अगर संभावनाएं हैं बावजूद इसके आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्योतिष में जो नौकरी के योग बनते हैं वो किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, मुख्य स्वामी है, वो है शनि, लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की, राहु की, केतु की भी भूमिका होती है। कुंडली का छठवां भाव सिक्स हाउस और ग्यारहवां भाव इलेवेंथ हाउस नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं। इनके स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। छठवें भाव का स्वामी और ग्यारहवें भाव का स्वामी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाता है। कुंडली में अग्नि और पृथ्वी की राशियां नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। अग्नि की तीन राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की तीन राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों का प्रभाव अगर कुंडली पर ज्यादा हो या इन राशियों में ग्रहों की स्थिति शक्तिशाली हो तो आदमी थोड़ा सा प्रयास करके भी आसानी से नौकरी पा जाता है। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है? जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो, क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट का ग्रह है और चंद्रमा भी गवर्नमेंट का ग्रह है, तो सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो या दोनों मजबूत हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, एक या ज्यादा हो तो भी, और एक हो तो भी व्यक्ति के उच्च पद पर जाने की और सरकारी नौकरी मिलने की संभावना होती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और शनि की साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। शनि सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में होता है अपनी साढ़े साती में और अपनी ढैया में। अब अगर आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल है और उसकी साढ़े साती या ढैया चल रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुंडली के ग्रह अगर ज्यादातर रात के इलाके में हो, यानी कुंडली के दूसरे भाव से लेकर के और छठवें भाव तक ज्यादातर ग्रह हो, यानी अप्रकाशित भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलती है। हाथ में सूर्य की अगर दोहरी रेखा हो, डबल सनलाइन हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो, यानी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी तर्जनी उंगली है, अगर उस पर क्रॉस होगा उस पर्वत के ऊपर, तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाएगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम एफर्ट्स के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट जॉब की संभावना नहीं बन पाती, तो आखिर कब सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आती है? कुंडली में अगर बृहस्पति काफी ज्यादा मजबूत हो तो ये किसी के अंडर में, किसी के अधीन नहीं रहने देता
और ज्यादातर ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य राहु का संबंध हो, चंद्र राहु का संबंध हो या गुरु चांडाल योग हो, तो ऐसी स्थिति में भी सामान्यतः सरकारी नौकरी पाने में बाधा आती है। अगर कुंडली के ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेकर के उल्टा चलिए, लग्न द्वादश, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम, यानी लग्न से लेके सप्तम भाव की तरफ अगर ग्रह विद्यमान हो, प्रकाशित भाव में हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल होती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो वैसे तो कोई भी नौकरी मिलने में बाधा आएगी, लेकिन शनि अगर अनुकूल नहीं है तो सरकारी नौकरी मिलने में विशेष बाधा आती है। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो, ब्लैकिश हो, आपकी हथेलियों में कालेपन की सूचना हो या हथेलियों के बीच में तिल हो, तो ऐसी स्थिति में भी गवर्नमेंट जॉब पाने में, सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल होती है। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, जो तीसरी उंगली है, रिंग फिंगर है, अगर इसके नीचे सर्कल जैसी आकृति है, यानी सूर्य का वलय है, या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है, तो ये सरकारी नौकरी में 99 तक पहुंचा देती है, लेकिन तब आदमी सफल नहीं होता। यानी अगर हाथ में सूर्य का वलय हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी में दिक्कतें पैदा होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होने चाहिए। अगर योग होंगे और आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी, तब उपाय करने से आपको लाभ होगा। अगर आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो उपाय करने से लाभ नहीं होगा। तो पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और अगर मिल सकती है, मिलने में बाधा आ रही है, तब उपाय करने से आपको लाभ होगा। कौन से उपाय करेंगे? रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक माला गायत्री मंत्र का जप करिए, या कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। सलाह लेकर के या तो एक माणिक्य पहनिए या एक नीलम धारण करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनना या नीलम पहनना आपके लिए बेहतर होगा। हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करें। सूर्य की उपासना, लाल रंग का प्रयोग, सूर्य या शनि का रत्न, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको सरकारी नौकरी में सफलता दे सकते हैं। इसके अलावा जब परीक्षाओं का समय आए सरकारी नौकरी के लिए, उस समय सूर्य को जल देने के अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और अपनी तरफ से लगन से मन लगा के तैयारी करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपको फायदा होने की संभावना जरूर रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन कभी कभी नौकरी चलाने में दिक्कत आ जाती है।
नौकरी करने में अड़चन आ जाती है, सस्पेंशन हो जाता है, नौकरी नहीं चल पाती है, या बहुत सारे लोग नौकरी स्विच करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी पाने के बावजूद अगर आपकी नौकरी में अड़चन आ रही है, 80% मामले में समझिए कि उसमें राहु की भूमिका होगी। राहु की भूमिका अगर कुंडली में ज्यादा होगी तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी पाएंगे, कुछ समय करेंगे, बाद में प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, या सरकारी नौकरी करेंगे, करने में दिक्कत आएगी, एलिगेशन लगेंगे, नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी पा गए हैं और आप उसे अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो दो काम जरूर करिएगा, वो हर गवर्नमेंट सर्वेंट को जरूर करना चाहिए जो भी सरकारी नौकरी में है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन पूजन लंबे समय तक करिए। आपको सरकारी नौकरी करने में या चलाने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।